हे गाइस, चले चलते हैं कारगिल टू ले, लेकिन उससे पहले आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड नाइस कमेंट्स। एंड मुझे फीडबैक भी मिला है कि वीडियो काफ़ी शेकी है, सो आई एम इन द प्रोसेस टू बाय अ गिम्बल, मे बी रोनिन एस और क्रेन 2। जो नेक्स्ट ट्रिप होगा वो शेक फ्री होगा। और डे 3 हमारा काफ़ी शानदार रहा है डे 1 और डे 2 की तरह। और इस जर्नी की सबसे अच्छी बात है कि आपको कारगिल से के ले तक एक भी पैच आपको ख़राब नहीं मिलता, बिल्कुल शानदार रोड है का ले तक, और बिल्कुल टारमैक बिछा हुआ है हर जगह, रोड काफ़ी चौड़ी है और व्यू काफ़ी शानदार है। आपको मैक्सिमम गोल्डन या ब्राउन माउंटेन दिखने को मिलेगा पूरे रास्ते पर। हालांकि ये जो लेकर ट्रिप था वो मेरी मेमोरीज़ में है, वो काफ़ी सालों तक मेरे मेमोरीज़ में रहने वाला है, मेमोरेबल ट्रिप की तरह। लेकिन जब भी मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो इन जगह को, सीन को मुझे दोबारा देखना पड़ता है वीडियो में, तो ये मुझे काफ़ी नॉस्टैल्जिक कर लेता है। ये है लेह की जर्नी, अमेजिंग। और बहुतों का सवाल था कि इसमें एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंसेस क्या आता है, और तुम्हें परमिट वगैरह कहाँ पे बनाना पड़ता है, और बहुत सारे जो सवाल हैं, मैं अकॉर्डिंग टू वीडियो जैसे सिचुएशन आएगी उस हिसाब से मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और मैंने पहले भी शेयर किया है, ट्रिप इज़ नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट इज़ अबाउट द जर्नी। आपने ले डेस्टिनेशन चूज़ किया तो आपको, आपका जो डेस्टिनेशन है टारगेट ले नहीं है, उसके बीच की जो जर्नी है, आपने जो जो किया, जो जो जगह वगैरह देखी, आपकी एक्टिविटीज़, वो सब आपकी मेमोरी में रहने वाला है। तो इसलिए हमें जहाँ भी एक सुकून भरा वातावरण मिला है, काफ़ी अच्छी जगह देखने को मिली है, तो वहाँ पे हमने हॉल्ट किया है, उसके बाद हमने पिक्चर्स वगैरह ली है। तो अभी जहाँ पे हम उसे मुले बे बोलते हैं, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी हरियाली है। कारगिल के बाद आपको हरियाली कम ही दिखती है, तो जहाँ पे भी आपको हरियाली दिखेगी वहाँ पे लोगों का बसेरा दिखेगा, काफ़ी घर वगैरह दिखेगा। इट मेक सेंस एज वेल कि अगर आदमी अपना घर वहाँ पे बनाता है तो उसको हरियाली भी चाहिए रहने के लिए। गाइज हम लोग रुक गए हैं यहाँ पे, मैगी पॉइंट नीचे है, वो देख के हमें भूख लग गई, सो हमने रास्ते में गाड़ी रोक रखी है। कैंपिंग है, बहुत सारा सामान है, एंड वी आर पुटिंग सम टी यूटिलाइजेशन राइट नाउ। यहाँ पे प्लेन मैगी बन के अलग हो चुकी है, प्याज फ्राई हो रही है, एग यहाँ पे है, एग मैगी बनने वाली है, और हमने ब्यूटेन स्टोव यूज़ किया है। दिस इज ऑलरेडी लुकिंग यम। जस्ट डिक्लेरेशन, आई एम गोइंग टू स्टिल ईट प्लेन मैगी, एंड दैट्स वेयर वी आर, क्लोज टू 10,500 feet। और ऐसा नहीं है कि हमें मैगी पॉइंट्स वगैरह नहीं मिले थे, मैगी पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप कुकिंग नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे काफ़ी मैगी पॉइंट्स वगैरह मिल जाएगा खाने के लिए। लेकिन हम पहले से सोच के आए थे कि हम लोग कैंपिंग करेंगे, कुकिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। लेकिन बिलीव मी गाइज, ऐसा एग और इतनी टेस्टी मैगी मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाई है, ऑनेस्टली। Have you done anything crazy in your life? This is crazy. Out of nowhere, if you see, this is the main road to Leh, and we are hungry and we decide to make a Maggi. I mean, this is really, really crazy. और जब भी आप कुकिंग वगैरह करते हैं ब्यूटेन स्टोव पे, तो मेक श्योर, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो जाता है, तो एकदम उसको आप गाड़ी पे रख नहीं सकते, काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो प्रैट ने यहाँ पे टिप्स शेयर किए थे, लेकिन विंड की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि आवाज़ साफ़ नहीं आई, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। उसने ये शेयर किया कि इसको ठंडा करने के बाद, हल्का सा पानी डालने के बाद, जब यह ठंडा हो जाता है तभी आप इसको कार पर रखिए। तो हमने गार्बेज बैग वगैरह लिया था, कुकिंग के बाद जो भी वेस्ट बचा था उसे हमने फेंका नहीं, उसको हमने गार्बेज बैग में डालने के बाद होटल पहुँचने पर डंप किया था। तो फाइनली सब कुछ हो गया था, पेट भर गया था, हमने यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह भी कर ली थी, तो अब वक्त था कि हम लोग निकल पड़ते दोबारा अपनी जर्नी पे ले की तरफ। हाँ, तो इसके बाद हम लोग फाटूला टॉप पहुँचेंगे। तो आपको जैसे पता है कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे टॉप जुड़ा हुआ है, जिनके नाम के पीछे, खादुंगला टॉप हो गया, रोहतांग पास टॉप हो गया, तंगलाला टॉप हो गया, तो इन सब जगहों के पीछे टॉप इसलिए जुड़ा हुआ है, ये हमें हमारे अनूप सर ने शेयर किया था, क्योंकि जो भी ये जगह है बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप पे, मैक्सिमम हाइट पे सिचुएटेड है।
और उसी लिए आपको उस हाइट पे आपको पहले चढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद आपको नीचे उतरना पड़ता है। बहुत हाइट पे होने की वजह से वहाँ पे हवा काफ़ी तेज चलती है और टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहता है। अभी हमने बहुत हाई स्पीड ड्राइविंग करी है और उसमें ब्रेक्स काफ़ी यूटिलाइज हुए हैं। एक टाइम पे ब्रेक की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है क्योंकि हीट अप ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको देखना है कितने हीट अप इस समय हो चुके हैं तो आप कैन सी स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द टायर्स और ब्रेक एंड इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इससे ब्रेक की इफेक्टिवनेस पूरी कम हो जाती है। अगर आप रात में अगर देखते होते दीज रोटर्स वुड हैव लुक्ड रेड आई गेस। डाउन हिल आप आ रहे हैं, गियर दो गियर में रखिए, रखा था पर स्पीड ज़्यादा कर दी थी, बट नाउ वी हैव टू मेक श्योर दैट द रोटर्स आर कूल डाउन। आप देखें अलॉयज भी काफ़ी ज़्यादा हीट अप है यहाँ तक एंड आई एम ग्लैड टायर्स तक नहीं पहुँचा अभी एंड यू कैन स्मेल द रबर। टोटल इज 1336 एंड ट्रिप एवरेज इज 14.1, दैट मींस क्लोज टू 11.5। हम लोग 572 चल चुके हैं, वो एवरेज 13.8 है, दैट मींस क्लोज टू 11.5 वंस अगेन। आई मीन इट्स नॉट मच डिफरेंस, 11.4 मे बी, नॉट बैड कंसीडरिंग इट वाज ऑल हिल्स। तो उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक हिल पहुँचे हैं। मैंने काफ़ी सुना है मैग्नेटिक हिल के बारे में, तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हम पहले डाउटफुल थे कि क्या ये मैग्नेटिक हिल है, लेकिन यही मैग्नेटिक हिल था। तो हमने अपने कार को फ्लैट सरफेस पे रख के देखा कि कुछ होता है, कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ गए। लेकिन मैग्नेटिक हिल के बाद हमने कुछ डिफरेंट सा एक्सपीरियंस किया था, वो आगे आपको प्रैट शेयर करेगा। गाइस मैंने कोई भी एक्सीलेटर नहीं दिया है, पिछले दो किलोमीटर से ज्यादा से गाड़ी अपने आप चल रही है, इनफैक्ट 80 की रफ्तार से टच कर रही है। आफ्टर मैग्नेटिक हिल, मैग्नेटिक हिल पे गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। नाउ द रीजन बिहाइंड दैट इज थोड़ा स्लोप भी है मेरे ख्याल से, हालांकि दिख नहीं रहा है, देखिए 80 के आसपास तक पहुंच रही गाड़ी, थोड़ा स्लोप भी है मेरे ख्याल से, विंड आ रही है बैक साइड से गाड़ी को पुश कर रही है। ओह माय गॉड, इट्स गोना गो इवन फास्टर देन 80 आफ्टर दिस, और गाड़ी चली जा रही है। दिस स्पीड इज इट्स ओवर 80 नाउ। I just wanted to be in control, so fourth gear पे रखा मैंने गाड़ी को, फिर से checking, accelerator मैंने बिल्कुल नहीं रखा है, अब मुझे ब्रेक लगाने पड़ जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज ये 90 पहुँच चुकी है गाड़ी, फोर्थ गियर पे 90 पहुँच चुकी है, फोर्थ गियर स्पीड 90 और ब्रेक लगाने की नौबत आ रही है, मैंने एक्सीलेटर दिया नहीं है। I don't know man, this is very very strange, look at my leg, this is a big hit man, yeah. यहाँ स्लोप है, यहाँ वी कैन अंडरस्टैंड दैट, वंस वी गो टू द लेवल इफ इट स्टिल डज द सेम थिंग आई डोंट नो आई गेस, बट वोंट डू दैट, आई कैन फील इट बिकॉज इट्स नाउ गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ हेवी विंड कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन। आई गेस वी मैनेज दैट ग्रेट स्पीड बिकॉज ऑफ द विंड, कार इज वाइड, इट्स अ गुड रेजिस्टेंस एंड इट एक्ट्स लाइक अ सेल इन दैट काइंड ऑफ विंड। और हम लोग ले लगभग पहुंचने वाले हैं, यहाँ से करीब 12 किलोमीटर शो कर रहा है मेरे ख्याल से, ये एंट्री है ले की, उसके बाद यहाँ से लेके पूरा 12 किलोमीटर ले फैला हुआ है।
फाइनली सिटी के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमको अपना होटल ढूंढना था। यहाँ पे वन वे था तो हमें यहाँ से यू टर्न लेना पड़ा। गूगल पे हमने डायरेक्शन लगाया था, लेकिन ये सिटी बहुत कंजेस्टेड होती जा रही है, तो इसकी वजह से काफ़ी जगह आपको वन वे का साइन मिलेगा और आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। और यहाँ पे गूगल ने हमें राइट टर्न लेने को बोला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रॉन्ग टर्न था। यहाँ पे रास्ता ख़राब था पहली बात, और दूसरा जब हम बिल्कुल एंड पे पहुँचे तो वहाँ पे रास्ता बंद था, कंस्ट्रक्शन कुछ वगैरह चल रहा था, तो हमें वहाँ से यू टर्न लेना पड़ा। और रास्ता ख़राब होने की वजह से काफ़ी चांस था कि गाड़ी के नीचे हिट होता, तो ये काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और प्रैट को यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने में बहुत मज़ा आया। गाड़ी आगे निकल जाएगी, गाड़ी आगे निकल जाएगी। यस सर, बंद है। अच्छा, तो वापस लेना पड़ेगा। हाँ सर, घुमा ले। थैंक यू। और यहाँ से यू टर्न हम ले ही रहे थे, लेकिन तभी हमें एक गाड़ी आते हुए दिखी, तो हमें एक आशा की किरण नज़र आई। तो उसके बाद एक और गाड़ी दिखी हमें यहाँ से, तो हमने यू टर्न के बजाय यहाँ से लेफ्ट ले लिया। और हमने पूछा आगे, तो इन भाई साहब ने बताया कि रोड खुली है, तो हमने यू टर्न नहीं लिया, यहाँ से लेफ्ट ले लिया, लेकिन आगे जाने के बाद रास्ता बंद था, तो हमें फिर वापस आना पड़ा। वन वे के चक्कर में पता नहीं मैप ने कहाँ घुमा दिया है। एक ने बोला खुला है, एक ने बोला बंद है, फाइनली रास्ता बंद है। और 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस और गाड़ी में 400 kg वेट है। इट्स नॉट गोइंग टू बी टू डिफिकल्ट, गाड़ी छू सकती है। अंदर से पाइप टूटे हुए हैं, एक व्हील इधर से जाएगा। ओके, I guess we asked for it. I was craving for some difficult terrain, but this one is well, the thing is, it's concrete, right? It's okay. That's not a scratch. Again, we'll take a little bit. Awesome. My battery is going to die any minute. रास्ता नहीं है, बंद है। क्या आपका आपका अगर यहाँ पे घर है तो ऐसा कैसा रास्ता है, कैसे रहते हैं आप? यहीं पे हमारा मड फ्लैप छुआ था। सो दिस टाइम अराउंड लेट्स टेक इट ओवर इट। Wonderful, isn't it? One, two, go. Alloy scratch karna bahut dil pe lagega mere. Lagta unka bhi ghar hi hai. Okay. Finally. Not really finally, because this one is pretty high. Okay. वहाँ से निकलते निकलते करीब हमें एक घंटा लेट हो गया था, तो फाइनली हम लोग अपने होटल पहुँच चुके थे। जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा है 6000 रुपये का एक रूम पड़ा था 2 दिन के लिए। होटल ठीक ठाक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल कॉर्नर पे हमें होटल मिला था। अगर मेन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे एयरटेल के नेटवर्क आते हैं, यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ़ोन वगैरह तो आते हैं, लेकिन जो इंटरनेट है जो 4G कनेक्शन या 3G कनेक्शन यहाँ पर नहीं आता।
और लेह के जो मैक्सिमम होटल्स हैं वो साल के कुछ महीने ही ओपन रहते हैं, क्योंकि विंटर पे काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, तो ये होटल पूरा बंद रहता है। बहुत कम होटल्स होते हैं जो खुले रहते हैं। फाइनली हम रूम पे पहुंच चुके हैं, सो आई एम गोना टेक द शूज ऑफ। और जो होटल रूम था काफ़ी अच्छा था, 3000 रुपये में एक नाइट इज नॉट अ बैड डील। और पूरे रूम पे वुडन फ्लोरिंग हो रखा था और बेड काफ़ी अच्छा था, उसके अलावा बाथरूम भी काफ़ी क्लीन था। और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, अगर आप व्लॉगर हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, काफ़ी डिवाइसेस वगैरह हैं, तो अपने साथ एक्सटेंशन कॉर्ड ले जाना ना भूलिएगा। इस होटल की बात करें तो काफ़ी सारे यहाँ पे स्लॉट्स वगैरह अवेलेबल हैं चारों तरफ, लेकिन जहाँ पिछले हम जहाँ पे रुके थे होटल पे, वहाँ पे सिर्फ एक स्लॉट था जहाँ पे टीवी लगा हुआ था। तो अगर कोई डिवाइस आपको चार्ज करना है वगैरह वगैरह, तो आपको बहुत मुश्किल होगी, तो एक्सटेंशन कॉर्ड ले जाना ना भूलें। और ले की बात करें तो यहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, रिमोट एरिया है तो लाइट आती जाती रहती है, तो मेक श्योर कि आपके पास कम से कम 2 पावर बैंक हो बैकअप के लिए। और मेरे पास डिवाइसेस थे जो पावर बैंक से चार्ज नहीं हो सकता था, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लाइट की बहुत प्रॉब्लम हुई है, मैं काफ़ी घंटे तक लाइट गई, और सोलर यहाँ पे पावर बैकअप भी था, लेकिन किसी ने इलेक्ट्रिकल कैटल लगा दी थी, तो पूरा सोलर का जो पूरा सिस्टम है वो ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे डिवाइसेस जो मेरे पास थे वो चार्ज करने में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई है। और जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन हमने रेस्ट किया था, और दूसरे दिन हम लोग परमिट के लिए चले गए। हमें पता था कि परमिट में टाइम लग सकता है, तो सुबह हमने परमिट के लिए अप्लाई किया, और फिर दूसरी जगह हम लोग शांति स्तूपा, हॉल ऑफ फेम या फिर ले प्लेस वगैरह घूमने गए थे। जब हम यहाँ से निकले थे तो तभी भी हमें परेशानी हुई थी कि रोड काफ़ी कंजस्टेड है और यहाँ से गाड़ी निकालना इज़ अ बिग चैलेंज, लेकिन प्रैट ने वो काफ़ी नाइसली किया और गाड़ी बड़ी स्मूथ तरीके से नैरो जगह से निकाली थी। तो अगर आपका प्लान अगर होता है लेह का, तो मेक श्योर कि आप जो होटल्स वगैरह करें मेन मार्केट में करें। ये मेरा हमारा कॉर्नर पे था जहाँ से लेह प्लेस दिखता है हमारी जगह से, लेकिन प्रॉब्लम थी वहाँ पे एक तो रोड कंजस्टेड है, दूसरा जो एयरटेल के नेटवर्क हैं वो नहीं आते यहाँ पे। अगर आपको लेह से आगे जाना है तभी आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है, अगर लेह से ही आपको लौटना है तो परमिट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हम लोग अभी परमिट लेने जा रहे हैं। परमिट यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग वाली शॉप है उसके आसपास मिलेगा शायद, वो जो लायंस ऑफ समथिंग ऑफ लद्दाख है। सो लेट्स सी, इनके तो परमिट मिल रहा है क्या, अंदर से लेना पड़ेगा? अच्छा हाँ, यहाँ पर अंदर जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, फिर उसके बाद बाहर आके जो ट्रैवल की शॉप है वहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको पूरा करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आधा घंटा करीब लगेगा फिर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाएगा, तो अंदर जाके आपको फाइनली पूरे पेपर वर्क सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें आधा एक घंटा करीब लग सकता है, और 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। और मेक श्योर कि आप जितने भी बंदे जा रहे हैं कम से कम 5 कॉपी ले जाइएगा आईडी प्रूफ का, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। और परमिट के लिए आपको कम से कम 2 या 3 घंटे और मैक्सिमम पूरा दिन भी लग सकता है, तो मेक श्योर कि सुबह जाके आप परमिट के लिए अप्लाई कीजिएगा, ताकि शाम तक आपको परमिट आपके हाथ पे आ जाए। You see lot of bikes here because the bikers they are here to take the permit, and you see lot of bikes here. So once they get the permit, they will go ahead and fly to different places. Yeah. Standing here in the queue, make sure it might take a little time. So make sure that you take everything, you get everything ready on time. Start. Start what, man? Okay. So अभी हम जा रहे हैं कहाँ? हम हॉल ऑफ फेम जा रहे हैं, वहाँ पे हालांकि 2 बजे खुलेगा, मगर वील क्लिक सम पिक्चर्स, काफ़ी अच्छी वी आर प्रीटी क्लोज, सो नेशनल फ्लैग के जैसे सामने देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा हॉल ऑफ फेम। लौटते में शांति स्तूप आएंगे और मार्केट घूमेंगे, शाम को टाइम मिलेगा। तो आई वाज जस्ट सेइंग कि यहाँ पे होटल मिलना मुश्किल है क्योंकि आर्मी एरिया है, आपको होटल सारे अंदर ही जाके मिलेंगे। अभी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो काफ़ी कल परेशानी हुई थी, बट इट्स फन टू स्टे देयर। लाइक यू मेंशन, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है वहाँ पे,
क्योंकि 2 बजे खुलता है तो गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर ली है। और परमिट के बाद हमने सबसे पहले शुरू किया था हॉल ऑफ फेम से। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाने के बाद भावुक हुए बिना नहीं रह सकते। जब अंदर आप जाते हो तो बहुत सारे नाम जो हमारे सोल्जर्स हैं जो शहीद हुए हैं उनकी उनका यहाँ पे नाम दिखता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे अपने कुमाऊनी भाइयों का नाम देखा था तो मैं अंदर से बहुत भावुक हो गया था। जब अपना कोई अपने से दूर होता है तभी आपको पता चलता है कि अपने को खोने का गम क्या होता है। तो उन सभी फैमिलियों को, उन सभी सोल्जर्स को मैं सल्यूट करना चाहूँगा। हॉल ऑफ फेम जाने के बाद दिल काफ़ी भारी था लेकिन हमें आगे की जर्नी कंप्लीट करनी थी तो हम लोग ले पैलेस चले गए। ऐसा कहते हैं कि अगर आप ले आते हो तो ले पैलेस और शांति स्तूपा, हॉल ऑफ फेम और मॉन्स्ट्री वगैरह ये कुछ जगह हैं जहाँ आपको घूमना चाहिए। और जो ये ले पैलेस है काफ़ी पुराना है, यहाँ से ले का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है और पुरानी चीज़ों को संभाल के रखने की कोशिश की गई है। जहाँ पे कुछ ख़राब है उसको रिपेयर किया गया है और जो पुरानी चीज़ें हैं, छोटा सा म्यूज़ियम टाइप का है, यहाँ पे संभाल के रखी गई हैं तो लोग यही देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। Not going to climb up there. और ले पैलेस के बाद हम लोग शांति स्तूपा के लिए निकल गए। वहाँ से आपको ज़रा टाइम नहीं लगता, करीब 15-20 मिनट वहाँ से आपको लग जाएगा। यहाँ पे जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप गाड़ी को ले जा सकते हैं अपने साथ या फिर पीछे की तरफ से आपको बहुत सारे स्टेयर्स मिलेंगे। अगर आपको ट्रैकिंग वगैरह करना है तो आप पैदल भी यहाँ पर आ सकते हैं। और शांति स्तूपा देखने के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे एक मैगी पॉइंट है वहाँ पे आ गए थे। वहाँ पे मैगी और बहुत कुछ आपको खाने को मिल जाएगा, चाय भी मिल जाती है तो हमारे पास काफ़ी टाइम बचा था आगे के लिए तो हमने वहाँ पे चाय पी, मैगी खाया। उसके बाद करीब 1 घंटे तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहे क्योंकि वहाँ से जो ले का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए थे और काफ़ी जो व्यू है ले का उसका मज़ा ले रहे थे। फाइनली हमारा day 3 और 4, क्योंकि हम एक दिन यहाँ रुके थे ले पे, वो ख़त्म होता है। जो अगला ट्रिप होगा वो यहाँ से लेके खारदुंगला टॉप होते हुए हम लोग नुब्रा वैली जाएंगे, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। और जाते जाते फाइनल टिप देना चाहूँगा, जाने से पहले बहुत ज़रूरी जो चीज़ है आपको गूगल मैप पूरा ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लेना चाहिए क्योंकि अगर जहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं GPS के थ्रू, कम से कम नेविगेशन में आपको हेल्प हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे और सारी वीडियोस बनाने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होती है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा part 4। टिल देन बी हम्बल, बी पोलाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।